जय हिंद। आज हम लोग क्लास 6 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 5 को शुरू करते हैं, पंचायती राज। ये क्या होता है? सबसे पहले हमको समझना है कि ग्राम पंचायत होता क्या है। सबसे पहले हम लोग देश में रहते हैं जिसका नाम भारत है, हमारा प्यारा देश भारत है। उसके अंदर बहुत सारा स्टेट्स है, राज्य है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, ये राज्य हो गया। और राज्य के अंदर में डिस्ट्रिक्ट होती है, फिर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में तहसील होती है, ब्लॉक, और उसके अंदर में गांव होता है, ग्राम जिसको बोलते हैं। ये ग्राम, अब क्या विलेजेज, ये अब मान लीजिए कि एक विलेज, दो विलेज, थ्री विलेज, चार विलेज, बहुत सारा गांव हो सकता है। तो फिर जनसंख्या के आधार पे कि इस गांव का कितना जनसंख्या है, इसका कितना जनसंख्या है, इस सब जनसंख्या को मिलाकर के एक जो बनता है पंचायत, क्या बनता है? पंचायत, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्राम पंचायत। ये हो सकता है कि एक गांव में ही उतनी जनसंख्या अगर पूर जाए तो उसको ही बोलेंगे ग्राम पंचायत, या तो अगर दो गांव को मिलाकर के उतनी जनसंख्या पूरेगी तो उसको बोलेंगे दो गांव को मिलाकर के ग्राम पंचायत, या तीन भी हो सकता है, उससे अधिक भी हो सकता है। यह डिपेंड करता है कि उस गांव की जनसंख्या कितनी है। तो गांव को मिलाकर के बनता है पंचायत, जिसको हम लोग ग्राम पंचायत बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझ चुके हैं लेवल ऑफ गवर्नमेंट। देयर आर थ्री लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। पहला होता है नेशनल लेवल की गवर्नमेंट, जिसको केंद्र सरकार बोलते हैं। दूसरा होता है स्टेट लेवल की गवर्नमेंट, राज्य सरकार। एंड थर्ड वन इज लोकल लेवल की गवर्नमेंट, जो पंचायती राज सिस्टम में काम करती है। ये तीन स्तर का गवर्नमेंट होता है डेमोक्रेटिक कंट्री में, और तीनों मिलकर के फंक्शन करती है अपने अपने लेवल पे। तो हम लोग जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो बिल्कुल ये पढ़ेंगे, सबसे नीचे से चढ़ेंगे ऊपर की ओर। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? लोकल लेवल की गवर्नमेंट। ठीक है, और जो नेक्स्ट क्लास होगा 7th क्लास, उसके बाद 8th क्लास, वो सब में हम लोग पढ़ेंगे स्टेट लेवल की गवर्नमेंट और नेशनल लेवल की गवर्नमेंट। हमें ये समझना है लोकल लेवल की गवर्नमेंट। ठीक है, तो अभी आपको हम बताए हैं कि दो गांव या तीन गांव या एक गांव को मिलाकर के पंचायत बनता है। क्या बनता है? ग्राम पंचायत। इट इज डिपेंडिंग अपॉन द पॉपुलेशन ऑफ विलेजेज। ठीक है, उसके बाद ये हो गया गांव, विलेज, इसको मिलाकर के बनेगा ग्राम पंचायत। और ये जो विलेज है उसको भी डिविजन्स में बांट दिया जाता है, फिर पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, जनसंख्या के अकॉर्डिंग डिविजन्स में। तीनों गांव को, मतलब सभी गांव को, दो गांव भी हो सकता है, तो सभी गांव को फिर डिविजन्स में बांट दिया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वार्ड। क्या बोलेंगे? वार्ड। यहां तक बात क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? चलिए अब समझते हैं कि ये सब का फिर चुनाव कैसे होता है। इलेक्शन प्रोसेस को हमको समझना है कि पंचायती राज सिस्टम में जो भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनका इलेक्शन कैसे होता है, वो कैसे इलेक्ट होते हैं और कैसे गवर्नमेंट में आते हैं। जो लोकल लेवल की गवर्नमेंट है उसके रिप्रेजेंटेटिव किस तरह से इफेक्ट में आते हैं, उस बात को हम लोगों को समझना है इसमें। अब देखिए, जो डिविजन्स होते हैं, वार्ड होते हैं, वो गांव के अंदर में होते हैं, तो क्या सबसे पहले इनका चुनाव होगा? जो उस वार्ड के लोग होंगे, जो उस डिविजन के लोग होंगे, वो सब मिलकर के डिविजन्स का एक मेंबर होगा, कोई कैंडिडेट होगा, उसको चुनेंगे, कोई मेंबर को, डिविजन्स के मेंबर को, वार्ड के मेंबर को चुनेंगे। ठीक है, वोट दे करके, क्योंकि हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है, वोट दे करके ही इसमें हम लोग चुन सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव को। तो इसको चुनेंगे तो कोई बन जाएगा वार्ड मेंबर, बन जाएगा मतलब डिविजन का मेंबर बन जाएगा। और क्या यहां पर दो केस है, कहीं कहीं क्या होता है कि जो डिविजन्स का मेंबर होगा, हर एक डिविजन्स का, गांव के अंदर जो डिविजन्स होगा उसका मेंबर होगा, तो फिर वही डिविजन्स का मेंबर, जो वार्ड का मेंबर होगा, वो सब मिलकर के उस गांव का जो प्रेसिडेंट होगा, मतलब मुखिया होगा, उसका चुनाव करेगा। लेकिन फिर कहीं कहीं क्या होता है किसी स्टेट में कि नहीं, मुखिया का चुनाव, मतलब कि उस विलेज के प्रेसिडेंट का चुनाव इंडिपेंडेंटली होता है, इस वार्ड मेंबर से उसको मतलब नहीं है, वार्ड मेंबर उसको सपोर्ट करे या ना करे उससे मतलब नहीं है। जो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ विलेज होगा वो फुली इंडिपेंडेंट फ्रॉम द वार्ड ऑफ द मेंबर ऑफ द वार्ड। ठीक है,
कहीं कहीं पे क्या होता है, जो मुखिया होता है उसको बोलते हैं सरपंच, मेन सरपंच होता है कहीं कहीं पर। जैसे मध्य प्रदेश हो गया, वहां पर जो प्रेसिडेंट होगा विलेज का वो सरपंच होगा, वहां सारी पावर जो होती है मुखिया वाला वो सरपंच के पास रहेगा, ठीक है। तो तीनों को मिलाकर के जो बनता है ग्राम पंचायत, इसका प्रेसिडेंट को बोलते हैं मुखिया, इसका जो होगा प्रेसिडेंट उसको बोलेंगे मुखिया। ऐसा बिहार स्टेट में होता है, लेकिन अगर आप चले जाएंगे उत्तर प्रदेश में तो वहां क्या होता है कि मुखिया उखिया कुछ नहीं होता है। जैसे गांव हो गया, एक गांव, दो गांव, तीन गांव, तो तीनों गांव का अलग अलग प्रधान होगा, उसको पंचायत से मतलब नहीं है, तीनों को मिक्स नहीं करेगा, कंबाइंड नहीं करेगा, तीनों गांव का अलग अलग ही उसका प्रधान होता है। और फिर चले जाइएगा आप मध्य प्रदेश में तो वहां मुखिया की जगह पर सरपंच काम करता है, सरपंच वहां पर मेन होता है। अब समझिए भैया यहां पर क्या होता है, बिहार के केस में हम लोग समझते हैं कि अगर देखिए तीन गांव हो गया, तीनों को मिला के एक बन गया पंचायत। हो सकता है कि मुखिया तीनों में से किसी एक गांव का होगा, जो प्रेसिडेंट ऑफ विलेज होगा, ये आउट ऑफ थ्री विलेजेस जो है ये तीनों में से किसी एक का होगा। अगर इस विलेज में है तो क्या करेगा कि इस गांव का तरक्की जो होगा, डेवलपमेंट बहुत ज्यादा कर देगा, इस दोनों पर ध्यान नहीं देगा। ऐसा बहुत ज्यादा होता है, हर एक जगह पर होता है। या अगर इस गांव का है तो इसको डेवलपमेंट पे ध्यान देगा, इस पर ध्यान देगा ही नहीं। इसीलिए उत्तर प्रदेश में क्या है कि हर एक विलेज का अलग अलग प्रेसिडेंट बना गया, जिसको हम लोग प्रधान बोलते हैं, वहां इस तरह से नहीं होता है। तो हम लोग चुनाव को समझ गए कि किस तरह से चुनाव होता है, मुखिया का, सरपंच का, प्रधान का, और जो डिविजन होता है उसके मेंबर का। और देखिए जो प्रेसिडेंट ऑफ विलेज होता है मुखिया, उसके अलावा वहां सरपंच की भी व्यवस्था होती है, लेकिन सरपंच का काम अलग होता है। तो जिस तरह से डिविजन का मेंबर वार्ड मेंबर होता है, उसी तरह से उसी डिविजन में एक और मेंबर का चुनाव होता है, जिसको पंच बोलते हैं, जो लोग सरपंच का सदस्य होते हैं, मेंबर होते हैं। और फिर उसमें भी दो केस है, कहीं कहीं पर क्या होता है कि पंच लोग मिलकर के सरपंच का निर्वाचन करते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर क्या होता है कि पंच और सरपंच दोनों इंडिपेंडेंटली दोनों का इलेक्शन होता है। मतलब पंच उसको सपोर्ट करे या ना करे सरपंच को, इससे मतलब नहीं है, जनता डायरेक्टली रूप से सरपंच को अलग से वोट करेगी, सेपरेट उसका वोटिंग होगा, पंच से उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। अब क्या है कि हम लोग इलेक्शन प्रोसेस को समझ गए, हम लोग इलेक्शन मतलब वोट दे दिए, कोई मुखिया बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया। अब क्या है कि वो लोग लोकल गवर्नमेंट में आ गए, इफेक्ट में आ गए, तो उसके बाद उनको काम करना है हमारे लिए। अब हमारे लिए वो काम किस तरह से कर रहे हैं, हमारे गांव में समस्या क्या है, हमारे साथ दिक्कतें क्या है, और कैसे हमारे गांव का डेवलपमेंट होगा, जो पैसे फंडिंग आ रहा है गवर्नमेंट से उसका बंटवारा किस किस क्षेत्र में होगा, या हमारे यहाँ जो काम हो रहा है वो अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उस पैसे का हिसाब कौन देगा। तो इन सारी चीजों, जैसे आपको पहले बता चुके हैं कि डेमोक्रेटिक कंट्री में जनता ऐसा नहीं है कि सिर्फ 5 साल में जब वोटिंग सिस्टम आएगा तो वोट देगी और उसके बाद गवर्नमेंट उसको भूल जाएगी, नहीं, उसके बाद भी जनता बीच बीच में भाग लेती रहेगी। जनता अगर इंटरेस्ट रखती है, अगर जनता जागरूक है, तो सरकार के कामकाज में दखलअंदाजी करेगी, और जनता को जानने का अधिकार है कि हर एक काम को वो जाने और उसमें जो खूबियां है, जो खामियां है उसको पहचाने, और सरकार की वो आलोचना भी कर सकती है, क्रिटिसिज्म भी कर सकती है। इस बात को आप लोगों को हम समझा चुके हैं कि सरकार का विरोध किन किन तरीकों से होता है, पिछले चैप्टर में आप लोगों को हम बताए हैं। तो चुनाव के बाद सरकार के जो कार्यकाल होगा, सरकार का जो कार्यक्रम होगा, कैसे काम कर रही है, कैसे फंक्शन कर रही है, तो उस बात को हम लोगों को जानना है, जनता उसमें भागीदारी अपना सुनिश्चित करेगी जाकर के। तो उसके लिए कैसे होगा, ऐसा तो नहीं कि कोई जनता जाएगा मतलब कि प्रेसिडेंट ऑफ विलेज के पास और उसको सारा बात बता देगा कि हाँ हाँ भैया इतना पैसा आया फंडिंग, इसको हम यहाँ पे डेवलपमेंट लगा रहे हैं, इतना पैसा पानी के लिए, इतना पैसा सड़क के लिए, और इतना पैसा मनरेगा के लिए, इतना पैसा राशन कार्ड के लिए, ऐसा नहीं होता है। तो फिर उसके लिए ही बनाया गया है ग्राम सभा। क्या बनाया गया है, ग्राम सभा। तो समझ गए होंगे थोड़ा थोड़ा आपकी ग्राम सभा में क्या होता है, मतलब ग्राम सभा में कौन कौन रहेगा। एक तो हमारा रहेगा रिप्रेजेंटेटिव, जिसको हम लोग वोट देकर के चुने हैं, रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। इस रिप्रेजेंटेटिव में कौन हो सकते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ विलेज होंगे, जो डिविजन था उसके मेंबर होंगे, सरपंच होंगे, पंच होंगे, जो भी रिप्रेजेंटेटिव है वो लोग होंगे। उसके बाद
जो पंचायत है, जो गांव है, उसके गांव के अंदर में जो भी एडल्ट लोग है, एडल्ट लोग मतलब जिसको वोटिंग देने का अधिकार है, जो वोट कर सकता है, यानी कि 18+, जिस भी आदमी का उम्र 18 वर्ष से ज्यादा है, वो लोग भी इस ग्राम सभा का मेंबर होते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा बॉडी इसमें एक और होता है, इंडिपेंडेंट बॉडी, जो होता है सेक्रेटरी, जिसको बोलते हैं सचिव। ये जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, उनको तो हम वोट देंगे, वो चुनकर के आएंगे, वो हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होंगे। लेकिन जो सेक्रेटरी होते हैं, सचिव होते हैं, ये गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं, गवर्नमेंट इनको भेजती है। जो एक्टिंग रैंक होता है सचिव, वो गवर्नमेंट इनको देती है, ठीक है। अब समझिए, थोड़ा डाइवर्ट होते हैं टॉपिक से। एक्टिंग, ये जो सेक्रेटरी है, ऐसा नहीं कि मतलब ये सेक्रेटरी में भर्ती हुई है, नहीं, वो किसी और एग्जाम देकर के, क्लर्क वगैरह का एग्जाम देकर के भर्ती हुए होंगे, लेकिन इनको एक एक्टिंग रैंक दिया गया कि आप सेक्रेटरी, आप सचिव का काम करेंगे इस गांव में जाकर के। जो भी वर्क सचिव का है, वो काम आप करेंगे, एक्टिंग। और एक होता है सबस्टैंटिव, सबस्टैंटिव, ये जो होता है सबस्टैंटिव रैंक, ये उस रैंक को बताता है जिसमें लोग रहता है एक्चुअल में, जिसका रैंक होता है, जिसका पोस्ट होता है, उसको ये शो करता है सबस्टैंटिव रैंक। जैसे मान लीजिए कोई थाना में दरोगा है, मतलब कि इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है, तो उसका हो गया सबस्टैंटिव रैंक, मतलब कोई सब इंस्पेक्टर है, इसके हिसाब से उसका रैंक है, उसका पोजीशन है, उसका ओहदा है, इसमें वो भर्ती हुआ है या उसमें उसका प्रमोशन हुआ है, तो हो गया सबस्टैंटिव रैंक। लेकिन अगर इसी एसआई को बना दिया जाएगा कि आप भैया पूरा पुलिस स्टेशन के पूरा प्रभारी है, मतलब इसका प्रभार आपके ऊपर में, आपके माथे पर है, तो वो बन जाएगा पूरा थाना प्रभारी, बन जाएगा पुलिस स्टेशन का प्रभारी, थाना प्रभारी। तो ये इनका रैंक नहीं है, ये इनका पोजीशन नहीं है, बस इनको कार्यभार सौंपा गया है पूरा थाना के प्रभारी के रूप में, कि आपका जो प्रभार है, थाना का जो प्रभार है, वो आपके जिम्मे है, आपके माथा के ऊपर है, अब आपको इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, ठीक है। तो यहां तक समझ गए होंगे आप लोग कि एक्टिंग और सबस्टैंटिव रैंक क्या होता है। तो ग्राम पंचायत के केस में यही सेक्रेटरी जो होते हैं, एक्टिंग रैंक का काम करते हैं, सचिव का काम करते हैं, इनका काम क्या होता है? सबसे पहले हम बताते हैं आपको इनका काम क्या होता है। रिप्रेजेंटेटिव, जो प्रतिनिधि होंगे, ये गांव में जो भी फंडिंग आएगा, जो भी काम करेंगे, या कोई पैसा आया है तो उसको कहां कहां यूज किए हैं, या कोई पैसा उनके फंड में है तो उनको कहां यूज करना है, तो ये रिप्रेजेंटेटिव जो होंगे प्रतिनिधि, ये जितने भी लोग 18 साल से ऊपर के हैं, जो उस ग्राम सभा में भाग लिए हैं, उनसे पूछेंगे, उनसे सुझाव लेंगे कि हाँ क्या दिक्कत है, कहाँ पे पैसा खर्च होनी चाहिए, और उनको हिसाब देंगे उस ग्राम सभा में, वो बताएंगे सामूहिक रूप से पूरे जनता को, क्योंकि हमारा देश ही डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसमें सरकार कोई भी काम करेगी तो उसको जनता के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हो या किसी और माध्यम से हो, जनता को उसका हिसाब देना पड़ता है, या कोई नियम लागू करती है तो उसके पहले भी जनता से पूछना पड़ता है कि ये नियम हम लागू करने वाले हैं, आप लोगों के लिए कैसा है, आप लोगों के हित में है या नहीं है, आप लोग सोच के बताइए। ये बातें आप लोगों को हम पहले बता चुके हैं पहले ही चैप्टर में, ठीक। तो जो प्रतिनिधि होंगे वो पूछेंगे सभी लोगों से, सुझाव लेंगे, उनसे सुझाव भी ले सकते हैं, अगर कोई दिक्कत है तो वो भी बताएंगे, और ये अगर कोई काम कर रहे हैं तो उस काम के प्रोसेस को बताएंगे कि ये काम कहां तक पहुंचा है। जैसे मान लीजिए कि राशन कार्ड का ही बंटवारा हुआ है, ठीक, किसी ग्राम पंचायत में, तो फिर उसमें वो भी डिस्कस करना है कि हाँ कोई अगर अमीर है तो उसको राशन कार्ड कैसे मिल गया, कोई अगर गरीब है तो उसको राशन कार्ड क्यों नहीं मिला। इन सारा मैटर का डिस्कशन जो होता है इसी ग्राम सभा में होता है, होना चाहिए, हर एक ग्राम सभा में ये सब डिस्कशन होना चाहिए। या कहीं सड़क बहुत खराब है, वो नहीं बन रहा है, कहीं फंडिंग आया है, जल का निर्माण, मतलब नल जल का ये निर्माण हो रहा है तो वहां पर ठीक से नहीं हो रहा है, तो सारा चीज का जो मसला है, मैटर है, वो सभी चीज का डिस्कशन इस ग्राम सभा में होता है, ऐसा होना चाहिए, ये नियम है, हमारे जो लोकल लेवल की गवर्नमेंट है इसका नियम है, ठीक। और इस ग्राम सभा में जो भी डिस्कशन हुआ जिस भी मैटर पर, और जो निष्कर्ष निकाला गया, और लोगों ने जो अपना समस्या बताया, ये सारी चीजों को लिखेगा, सारी चीजों को रिकॉर्ड मेंटेन करेगा सेक्रेटरी। सेक्रेटरी जो होता है गवर्नमेंट का ऑफिसर, जिसको हम लोग वोट नहीं देते हैं, ये गवर्नमेंट का ऑफिसर होता है, ये सर्विस करते हैं, इनका यही काम होता है भैया कि या तो जो भी फंडिंग
जो भी पैसा आया है उसका खर्च कहाँ कहाँ हो रहा है उस बात का भी लेखा जोखा रखेंगे, अगर कहीं समस्या हो उस बात का भी लेखा जोखा रखेंगे, राशन कार्ड का बंटवारा ठीक से हुआ है कि नहीं हुआ है उस बात का भी रखेंगे बंटवारा। मतलब कि ग्राम सभा में जितने भी प्रकार के मैटर पे हम लोग बात करेंगे, जो वहाँ के लोग होंगे वो सब बात करेंगे, जो निष्कर्ष निकलेगा, जो समस्याएं होगी उन सभी चीजों को रिकॉर्ड मेंटेन करेगा डायरी में या कहीं किसी और माध्यम में ये सेक्रेटरी। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ग्राम सभा क्या होता है। अब हम लोग डिफाइन कर सकते हैं इसको कि ग्राम सभा जो होता है ये एडल्ट लोगों का, जो एडल्ट लोग है उनका और रिप्रेजेंटेटिव है उनका एक मीटिंग होता है, एक मीटिंग होता है जिसमें गांव की समस्याओं और उसका निवारण के बारे में चर्चा होती है, डिस्कशन होती है, उसको ही हम लोग बोलते हैं ग्राम सभा। अब हम लोग बता चलते हैं स्टोरी पे। ये स्टोरी पूरा पूरा रिलेट करता है इस चैप्टर को, मतलब स्टोरी से आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि ग्राम सभा कैसे फंक्शन करती है और ग्राम सभा में किन किन मुद्दों के बारे में, किन किन टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं, बात कर सकते हैं। ये स्टोरी आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, बहुत इंटरेस्टिंग है और इसलिए दिया गया ताकि आप लोग को और अच्छे से और क्लियर वे में समझ में आ जाए। चलिए शुरू करते हैं। कहानी में हरदास नाम का एक विलेज होता है जिसमें अभी हाल फिलहाल में इलेक्शन हुआ है और वहां लोकल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ है। इलेक्शन से पहले जो कैंडिडेट होते हैं वो उनका मैनिफेस्टो होता है, वो उसमें प्रॉमिस करते हैं, अपने काम को बताते हैं कि अगर हम चुनाव जीत जाएंगे तो हम कैसे गांव का डेवलपमेंट करेंगे, कैसे कोई समस्या है उसको दूर करेंगे, वो किस तरह से काम करते हैं वो बताते हैं। तो चुनाव के तुरंत बाद पहले फर्स्ट टाइम वहां ग्राम सभा होने वाली है हरदास विलेज में। तो लोग वहां बहुत उत्सुक है, बहुत जिज्ञासु है जानने के लिए कि सरकार के पास, जो लोकल गवर्नमेंट का जो सरकार बना है उनके पास क्या प्लानिंग है कि हमारे देश में कैसे विकास होगा, हमारे गांव में कैसे विकास होगा और हमारे गांव में जो भी समस्या है उनके पास क्या प्लानिंग है कि उन समस्या से निजात दिला पाएंगे। तो वहां ग्राम सभा अभी होने वाली है, वहां सभी लोग गए हैं, ठीक है। तो ग्राम सभा के स्टार्टिंग में ही जो प्रेसिडेंट होते हैं विलेज का, मतलब सरपंच होते हैं और उनका जो मेंबर होते हैं पंच, कहीं कहीं पर मुखिया होंगे और वार्ड का मेंबर, डिवीजन का मेंबर होंगे। तो शुरुआत में ही वो, मतलब सड़क की समस्या, जो एक ऐसा सड़क है जो नेशनल हाईवे को जोड़ती है और उस गांव को जोड़ती है, तो उस सड़क की मरम्मत के बारे में, रिपेयरिंग के बारे में सबसे पहले वो बोलते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। और उसके बाद तुरंत बाद पानी की समस्या को लेकर के लोग बोलते हैं, वो एक गांव का एक आदमी होता है, वो पानी की समस्या के बारे में बोलता है कि पानी का लेवल जो है बहुत नीचे चला गया है, उसका नाम है ताजिया। ताजिया मतलब कि बोलता है कि द वाटर प्रॉब्लम इन हरदास हैज बिकम वेरी एक्यूट, बहुत द हैंडपंप वाटर हैज गॉन वेल बिलो द पॉइंट अप टू विच द ग्राउंड हैज बीन ड्रिल्ड। मतलब जहां तक उस ग्राउंड में पाइप डाला गया है हैंडपंप के लिए, उसके नीचे पानी का लेवल चला गया है, ठीक है, गांव का एक विलेजर जो है वो बोलता है। उसके बाद दूसरा विलेजर क्या बोलता है कि नहीं, वही फिर बोलता है कि हैंडपंप का जो लेवल है वो बहुत नीचे चला गया है, जिसके कारण से महिलाओं को गांव से 3 किलोमीटर दूर पानी भरने के लिए जाना पड़ता है, बहुत सारी समस्या उठाना पड़ता है क्योंकि पानी का स्तर बहुत नीचे चला गया है। लेकिन दूसरा जो विलेजर होता है वो बोलता है, वो सजेस्ट करता है, वो सुझाव देता है गवर्नमेंट को, लोकल लेवल की जो गवर्नमेंट है, कि जो पाइपिंग दिया गया है उसको और डीप किया जाए, मतलब उसको और नीचे तक किया जाए, ठीक है, ताकि जल का स्तर जो है वहां से जल हमें, हम लोग को मिलना शुरू हो जाएगा। मतलब एक जो विलेजर है वो समस्या बता रहा है, दूसरा जो विलेजर है गवर्नमेंट को सुझाव दे रहा है कि इस तरह की हम लोग काम किया जाए ताकि वो समस्या दूर हो जाए। फिर एक और तीसरा विलेजर होता है, वो बोलता है कि नहीं, वाटर मतलब पाइपिंग को अगर हम बहुत नीचे तक पूरा डालेंगे जमीन के अंदर में तो उसमें बहुत खर्च आएगा, बहुत एक्सपेंसिव होगा वो, तो वैसा काम हम लोग नहीं करेंगे, क्यों ना हम लोग डैम बनाएंगे, मतलब वाटर को स्टोरेज करने का कोई प्लानिंग बता रहा है वो कि वाटर को कैसे स्टोर कर सकते हैं। तो वो बता रहा है लड़का कि वो किसी गाँव में गया था, मतलब अपने भाई के गांव में गया था, तो वहां देखा था कि वहां लोग पेड़ लगा रहे थे और डैम बनाया हुआ था ताकि वाटर को स्टोरेज कर सके, स्टोर कर सके। और उसके लिए बोलता है कि गवर्नमेंट जो है पैसे भी देती है, उसके लिए फंडिंग भी करती है गवर्नमेंट, और ये बातें अनवर बता रहा है कि महाराष्ट्र में गया था वो और वहां पे टैंक भी बना हुआ है ताकि पानी को स्टोर कर सके।
ये पानी की समस्या के बाद तुरंत बात आती है वहां पर बीपीएल पे। बीपीएल मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन, जो भी लोग गरीबी रेखा के नीचे होंगे। तो बीपीएल का कार्ड वहां पर बंटता है उस ग्राम सभा में, और लोग वहां पर बातचीत करना शुरू कर देते हैं कि जो जिनके पास लैंड, जो लैंडलॉर्ड है, जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन है, उनको बीपीएल कार्ड कैसे मिल गया, या जिनके पास जमीन नहीं है, जो बहुत गरीब है, जिसको बीपीएल कार्ड मिलना चाहिए था, उसको वे कार्ड कैसे नहीं मिला, राशन कार्ड कैसे नहीं मिला, इस मुद्दा पर लोग आपस में डिस्कशन करते हैं। तो वहां सरपंच देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं कि लोग आपस में आपस में बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो वहां पर टीचर होता है, जिन्होंने नाम लिखा था घर घर में जाकर के कि किसका नाम बीपीएल में ऐड होना चाहिए, किसका नाम ऐड नहीं होना चाहिए, वो खड़ा होता है और वो बताता है कि जिस टाइम में जो इस गरीब व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं कि उसका नाम बीपीएल में नहीं है, तो उस के घर पे गया था, तो वो काम करने के लिए घर से बाहर गया हुआ था, उसके घर पे कोई नहीं था, इसलिए उसका नाम छूट गया। मतलब कि टीचर भी इसमें रोल निभाता है, जो गवर्नमेंट का ऑफिसर हो गया टीचर, तो वो भी उसमें रोल निभाता है। तो आप समझ गए होंगे मोटा मोटी किस स्टोरी में क्या है। इस स्टोरी में सिंपल सी वही बात है, बहुत लेंदी इसको नहीं करते हैं, बस सिंपल में समझते हैं कि गांव में सड़क, बिजली, पानी या जो भी समस्याएं हैं, बीपीएल कार्ड, राशन कार्ड, कोई भी कार्ड है, तो उन सारी समस्याओं के बारे में लोग प्रतिनिधि के साथ डिस्कस करेंगे वहां पर, और अपना सुझाव भी वहां पर दे सकते हैं। और जो गांव में कोई भी डेवलपमेंट का प्लान अगर लाएगी गवर्नमेंट, लोकल लेवल की गवर्नमेंट, तो वो जनता। अब हम लोग लेवल्स ऑफ पंचायत को समझते हैं। देयर आर थ्री लेवल्स ऑफ पंचायत। फर्स्ट होता है विलेज लेवल, जिसको अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं, जिसका प्रेसिडेंट ऑफ विलेज मुखिया होता है, किसी केस में सरपंच होता है। दूसरा होता है ब्लॉक लेवल, एंड थर्ड वन इज डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है, विलेज लेवल का जो प्रेसिडेंट होगा वो वहां का मुखिया होगा या सरपंच होगा। फिर से आ जाइए आप ब्लॉक लेवल पे। ब्लॉक लेवल पर जो सरकार का मेंबर होगा उसको बोलते हैं जनमत, जनमत पंचायत, या इसी चीज को कहीं कहीं पर पंचायत समिति भी बोला जाता है। याद रखिएगा, जो जनपद पंचायत होगा, मतलब पंचायत समिति, वो ब्लॉक स्तर का जो सरकार होगा उसमें अपनी भागीदारी निभाएगी, मतलब उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। इनका जो काम होगा वो ब्लॉक स्तर पे होगा। ये पंचायत समिति भी एक या एक से अधिक गांवों को मिलाकर के, मतलब जो डिविजन्स होता है उस डिविजन्स को मिलाते हैं, और जनसंख्या के आधार पर इस पंचायत समिति का चुनाव होता है। ठीक है, उस डिविजन्स में एक गांव हो सकते हैं, दो गांव हो सकते हैं, तीन गांव हो सकते हैं, फिर से बोल रहे हैं, वो डिपेंड करता है वहां की जनसंख्या पर, पॉपुलेशन पे। और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है गवर्नमेंट, उसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट पंचायत, डिस्ट्रिक्ट पंचायत। और इसके जो मेंबर होंगे उनको बोलते हैं लोग जिला परिषद। ये जिला परिषद मतलब पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल के गवर्नमेंट के लिए जो मेंबर होंगे वो होंगे जिला परिषद। इनका जो काम होगा, कार्य क्षेत्र होगा, वो पूरे जिला पे रहेगा। इसके मेंबर जिला परिषद होंगे। फिर इनका भी उसी तरह से होता है, दो चार गांव, पांच गांव मिलाकर के जहां तक जनसंख्या पूर जाएगा वहां तक जिला परिषद का जो मेंबर होगा उनको रख दिया जाएगा, कितना गांव के ये जिला परिषद है। ठीक है, और वो सारे मिलकर के डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करेंगे। ये हमारा हो गया लेवल्स ऑफ पंचायत। अब हम लोग आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस चैप्टर से पिछले सालों में प्रश्न पूछा गया है, उस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं, ताकि समझ में तो आए कि हम लोग क्या पढ़े हैं और क्या क्वेश्चन आता है एग्जाम में। इस बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कमेंट आया होगा, आप लोग देखे होंगे वीडियो में, कि सर ये सब कंपटीशन एग्जाम में कैसे पूछेगा, ये जो आप क्लास सिक्स का पढ़ाते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि जो आप एग्जाम देते होंगे कंपटीशन का, उसमें क्या किसी और क्लास का आता है, उसमें भी क्लास सिक्स से लेकर के ट्वेल्थ तक का ही क्वेश्चन आता है, चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, जो भी है।
तो वो सब क्लास सिक्स से ट्वेल्थ तक का ही आता है। हम इसलिए आपको पढ़ा रहे हैं ये सब बेसिक चीजें, ताकि अगर एग्जाम में लिखने वाला क्वेश्चन आएगा, जैसे यूपीएससी सीएससी में या स्टेट पीसीएस में, ये सब में क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव टाइप का भी क्वेश्चन आता है, तो उसमें आपको सिर्फ टिक मारना नहीं रहता है, उसमें आपको कई वर्ड्स में हंड्रेड वर्ड या 200 वर्ड्स में लिखना भी रहता है। एग्जाम दिए होंगे आप लोग तो जानते होंगे, हम भी एग्जाम दिए हैं कई बार, तो उसमें आपको लिखना रहता है। तो कैसे लिखेंगे आप, एमसीक्यू तो है नहीं कि आप रट करके मार दीजिएगा, तो उसके लिए आपको थोरली पढ़ना पड़ेगा। और अगर कोई भी एग्जाम आदमी निकाला है तो उससे आप पूछिएगा, सबसे पहले आपको एनसीईआरटी को ही बताना बेसबुक कि एनसीईआरटी से पढ़िएगा, वहीं से आपका बेस बनेगा, वहीं से आप एंसर राइटिंग में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। हम भी बहुत एग्जाम दे चुके हैं, बहुत सारे एग्जाम पास भी कर चुके हैं, तो उतना आइडिया हम आपको बता रहे हैं कि एनसीईआरटी बहुत मतलब की वो बोल सकते हैं उसको की बुक है, फंडामेंटल बुक है, जो आपका बेस बनाएगी, आपका आधार बनाएगी, जिसके जिसको अगर हटा दिया जाए तो आप वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे आंसर राइटिंग तक, ठीक है। और जब ये पूरा थोरली आप पूरा चैप्टर को पढ़ लेंगे तो फिर एमसीक्यू भी तो वहीं से बनता है ना, वहीं से आप जवाब दे पाएंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस का। इसीलिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है। हम कोशिश करते हैं आपको कि 3-4-5 महीने में ही पूरा एनसीईआरटी, जो भी सोशल साइंस का विषय है, ज्योग्राफी हिस्ट्री सिविक्स पॉलिटिकल साइंस मतलब सिविक्स और डिजास्टर मैनेजमेंट, इन सभी चीजों को 4-5 महीना में पूरा खत्म करना, कवर करना। और उसके बाद आप खुद सारे क्वेश्चन, पहला प्रश्न जो है, अगर ग्राम पंचायत का कोई भी सदस्य हस्तलिखित रूप से आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्याग पत्र देता है तो आवेदन प्राप्ति के कितने दिनों बाद त्याग पत्र की मंजूरी होगी, उसको प्रभावी माना जाएगा, ये 7 दिनों के बाद। जब भी कोई डिवीजन का मेंबर, चाहे वो वार्ड सदस्य हो चाहे कोई पंच हो, अगर मुखिया को अपना त्याग पत्र सौंपता है तो वो त्याग पत्र सौंपने के 7 दिनों के बाद उसको प्रभावी माना जाएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछा गया था सीएससी में, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में 2009 में, ये प्रीलिम्स में पूछा गया था, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, देखिए कि 3 लाख जनसंख्या से ऊपर अगर हो जाएगा, ये शहरी क्षेत्र के बारे में है, तो उसको नगर पालिका घोषित किया जाएगा। अगर किसी शहर की जनसंख्या 3 लाख से ऊपर होगी तो उसको नगर पालिका घोषित किया जाएगा, और अगर किसी शहर की जनसंख्या 10 लाख से ऊपर है तो उसको नगर निगम। याद रखिएगा, 3 लाख से ऊपर नगर पालिका और 10 लाख से ऊपर नगर निगम। नगर निगम के निर्वाचित अध्यक्ष को क्या कहा जाता है, महापौर, जिसको मेयर भी बोलते हैं। मतलब नगर निगम में एक चेयरमैन होता है, अध्यक्ष होता है, जिसको हम लोग मेयर बोलते हैं। फिर है जिला योजना क्रियान्वयन समिति का अध्यक्ष कौन होता है, ये जिला अधिकारी होता है। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की गवर्नमेंट होती है उसमें कोई भी कार्य करेंगे, कोई भी योजना बनाएंगे, तो उसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी करते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करते हैं।